ऑफ मई को रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म धाकड़ है एकदम धाकड़। क्या कंगना कर पाई अपने इस अंदाज से सभी को इम्प्रेस, चलिए जानते हैं। धाकड़ को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कंगना ने अपनी रियल पर्सनालिटी को शोकेस कर दिया हो, एज वो रियल लाइफ में भी दिखती हैं इन फुल एक्शन एंड फाइटिंग मोड। पर वहीं अब अगर एजेंट अग्नि यानी कंगना के इस फिल्म में रोल की बात की जाए तो वो तो है काफी अमेजिंग। कंगना की एक्टिंग, उनके एक्शन सीक्वेंसेस सच में आपको कर देंगे इम्प्रेस। कंगना इस फिल्म की हीरोइन नहीं बल्कि हीरो है। ऐसी फिल्म बॉलीवुड में पहली बार प्रेजेंट की गई है जहां ये प्रूफ कर दिया गया है कि एक वुमेन भी कर सकती है एक्शन मूवी को उतने ही जोश के साथ जितना के एक मेल एक्टर। फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो दिखाया गया है कंगना के कैरेक्टर को विद फुल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वही सेकंड पार्ट तक आते आते वो बन जाती है इमोशनल फूल। जहां एक एजेंट को काम लेना चाहिए दिमाग से, तो वही सेकंड हाफ में कंगना दिखेगी इमोशनल और सुनती नजर आएंगी अपने दिल की। फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हजम करने हो जाएंगे थोड़े मुश्किल। जैसे एक सीन में आपको लगेगा कि कंगना हो चुकी है डेड, लेकिन वो हो जाएंगी रिवाइव। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिल्म की स्टोरी को थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता था, और फिल्म के डायरेक्शन में तो नजर आएंगी आपको ढेरों कमियां। जहां रजनीश घई ने डायरेक्ट की है बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स, तो वहीं फिल्म को वो डायरेक्शन देने में हुए हैं बुरी तरह से फेल। धाकड़ के विलन है रुद्रवीर यानी अर्जुन रामपाल, जिनकी एंट्री होगी सेकंड हाफ से, लेकिन चर्चा हो रही होगी फर्स्ट पार्ट से ही। अर्जुन इस विलन के कैरेक्टर में काफी सूट किए हैं। वहीं दिव्या दत्ता ने भी अपने कैरेक्टर को फुल जस्टिस दिया है। बात घूमकर सिर्फ यहाँ आती है कि फिल्म की कास्ट बहुत कमाल की है। अगर स्टोरी और डायरेक्शन पर अच्छे से काम हुआ होता तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर छा जाने से कोई नहीं रोक सकता था। हम धाकड़ को रेट करेंगे 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। फॉर मोर सच बॉलीवुड न्यूज एंड रिव्यूज कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।